नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। ये हम अरे या जी आप, क्या बात है, क्या बात है। आपके आने से रोशन हुए चराग हमारे घर के, पर हम तो कब से यूं ही अंधेरों में बैठे हुए थे। मैं तो एक्चुअली आपको थैंक्स कहने आई थी, अब मैं अच्छी हूँ। अरे अच्छी तो आप हैं ही, आपको अच्छा बनाया है ऊपर वाले ने। वैसे देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि आपका एक्सीडेंट हुआ, इस बहाने हम मिल तो गए ना। वैसे आपके ये थर थराते हुए होठ, और आपकी ये मदहोश आंखें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः। ये हमारी दोस्ती की मिसाल बन सकती है। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब आप कहिए, अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर अपने पति का साथ निभाओगी और किसी भी पर पुरुष पर दृष्टि भी नहीं डालोगी। I'm sorry हिया जी, लगता आप मुझसे नाराज हो गई। हिया जी देखिए, आप मुझसे नाराज होकर मत जाइए। 26 तारीख को मेरा जन्मदिन है, और अगर आप मेरे जन्मदिन पे नहीं आई ना, तो मैं केक तो क्या, इस घर में उजाला भी नहीं करूंगा। याद रखना हिया जी, आपको मेरे जन्मदिन पे आना ही पड़ेगा, 26 तारीख। लगता है राज, तेरा तीर निशाने पे लग गया है। करूं या ना करूं, मैंने राज के लिए गिफ्ट भी नहीं लिया, क्या करूं। ये नहीं नहीं, ये तो मुझे रणबीर ने एनिवर्सरी पे दिया था, वो पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। आई थिंक यही अच्छा रहेगा, कह दूंगी टूट गया। तुम हो हिया जी। हाय, विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, मुझे यकीन था, बल्कि पक्का यकीन था कि आप मुझे बर्थडे विश करने जरूर आएंगी। चलो अब मैं आ गई हूँ, अच्छे बच्चों की तरह से केक काटो। बाय द वे, वेयर इज द केक? केक? ओ हाँ, आप दो मिनट बैठिए, मैं अभी केक लेकर आता हूँ। ओके। टैंग टैंग। हियर इज द केक। हिया जी, मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। क्या? मैं चाहता हूँ कि मेरा बर्थडे केक मेरे बर्थडे पर आप काटे। मैं? प्लीज। ओके। हिया जी, Shall we start? Okay. Yo. अपने हाथ तो दो। Wow. Happy birthday to me. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. और ये एक पीस हिया जी, पहले आप खाइए. No, first the birthday boy. Okay. And second is you. नहीं राज, तुम खाओ. केक तो कट गया, गिफ्ट खोल के नहीं देखोगे? ओ गिफ्ट, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि आप गिफ्ट भी लाइए मेरे लिए. ओ वाओ वाओ, अ रोज फॉर अ रोज, वेरी ब्यूटीफुल. गिफ्ट खोलेंगे और देखेंगे कि हिया जी मेरे लिए क्या लाई हैं. पसंद नहीं आया तो लेट्स सी, लेट्स सी. वाह, प्यार की देवी खजुराहो की मूर्तियां. वाह वाह, सो मार्वेलस. आई लव इट, आई लव इट हिया जी, इट्स टू गुड. एक्सक्यूज मी, हिया का मतलब होता है दिल, मतलब कि आप दिल से मेरे लिए मूर्ति लाई हैं. थैंक यू वेरी मच हिया जी. यू वेलकम. वो मुझे आपसे कुछ कहना था. हाँ बोलो. लीव इट, लीव इट, कुछ नहीं कुछ नहीं. बताओ ना राज. हिया जी, एक्चुअली मुझे आपसे डर लगता है. कम ऑन राज, इट्स योर बर्थडे, योर डे टुडे. बोलो ना, क्या बोलना है? बोलूं? हाँ बोलो. वो हिया जी, आपने मुझे वो जो गिफ्ट दिया है ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. थैंक्स. और उसमें जो मूर्तियां है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है, स्पेशली जो उसमें पोस्चर्स हैं. यू सी, मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूं ना, मुझे वो पोस्चर्स बहुत पसंद आए. मैं ये चाहता हूं कि जो मूर्ति में पोजेस हैं वो आप और मैं करें तो. इसमें बुराई क्या है जी? वी आर जस्ट फ्रेंड्स ना. नहीं राज, ये गलत है. कुछ भी गलत नहीं है हिया जी. नहीं राज, क्या तुम जानती नहीं मैं शादीशुदा हूं? अरे हिया जी, तो क्या हुआ जो आप शादीशुदा है? सी, आई वॉन्ट टू फील यू हिया जी. नहीं राज. हाँ हिया जी, आप मेरा. नहीं राज प्लीज. हाँ हिया जी. नो राज, इट्स लव. नो राज प्लीज, ऐसा मत करो राज. आप बहुत ब्यूटीफुल. ऐसे ही तो प्यार का ये रंग चढ़ता ही रहता है. हाँ नहीं राज, कम नियर टू मी हिया जी, कम नियर. सी, आई वांट टू फील यू हिया जी. नहीं राज, कम नियर टू मी हिया जी. नहीं राज, प्लीज कम नियर टू मी. नहीं राज, आई वांट टू फील यू. नहीं राज. मत करो राज.
रहा है मुझे। एक एक अजीब सा आकर्षण है राज में, एक ऐसा आकर्षण जिसकी तरफ मैं न चाहते हुए भी खींची चली जा रही हूँ। क्या क्या इसे मैं प्यार समझूं या नहीं? नहीं, ये हवस नहीं, प्यार ही है। मैं राज से प्यार करने लगी हूँ, वरना मुझे हर पल उसके फोन का इंतजार ना रहता, और मैं उससे मिलने के लिए यूं बेताब ना रहती। लेकिन क्या ये सही है? मतलब रणबीर जो मेरा पति है, उसके होते हुए मैं किसी और के साथ? पर मैंने ये जानबूझ के तो नहीं किया, बस हो गया। और कहते भी हैं कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, जैसे मुझे हो गया है रात से। लेकिन अगर कहीं रणबीर को इस प्यार का पता लग गया तो? हाँ, नहीं, उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ पता लगाने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। अरे, उसके पास तो मेरे लिए भी टाइम नहीं है। मैं थक चुकी हूँ उसका इंतजार करते करते, उसके प्यार का इंतजार करते करते। और वो प्यार मुझे रात से मिल रहा है। आप पता नहीं हमेशा मुझे ही क्यों डांटते रहते हैं, जैसे कि ऑफिस में मैं अकेला ही काम करता हूँ। ये ऑफिस है या कबाड़ खाना? ये फाइल किधर है, वो फाइल किधर है, जैसे कि मैंने सब फाइल को ठेका लेके रखा हूँ। और मैं क्या जिंदगी में क्या कर सकता हूँ, मैं समझ में नहीं आता, मैं थक चुका हूँ इस लाइफ से। रॉबिन, यस सर। वो कॉन्वेंट कंपनी की फाइल कहाँ गई? सर, वो तो मैंने आपके टेबल पे रखी सर। अगर मेरे टेबल पे होती तो वही होती। नहीं है सर, मैंने आपके टेबल। बकवास बंद कीजिए, वहाँ पर नहीं, एक बार बोल दिया ना तुमसे। सॉरी सर। यू शुड बी, मुझे वो फाइल चाहिए एज सून एज पॉसिबल एंड नो आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन सर, मैंने वो फाइल आपके मेरे टेबल पर नहीं है, आपको एक बार बोल दिया, अपनी बकवास बंद कीजिए और फाइल ढूंढिए। लेकिन सर, आई एम वेरी सॉरी सर। पर लगा के उड़ गई ये फाइल? हाँ, वो मैं कैसे बता सकता हूँ? आपको नहीं मालूम तो आप यहाँ पर पगार किस चीज की लेते हैं? काम करने की। तो कीजिए, आई वॉन्ट दैट वॉक। लेकिन सर, बस बहुत हो गया, 5 मिनट के अंदर वो फाइल मुझे मेरे टेबल पर चाहिए, अदरवाइज यू आर फायर्ड। ओके, आई एम फायर्ड। वैसे भी तुम्हारे ऑफिस में काम करना कोई चाहता है, मैं तो अभी ऑफिस छोड़ना चाहता हूँ। ऑफिस में मैं अकेला ही काम करता हूँ, जैसा ये फाइल वो फाइल, बस मैं मिलता हूँ डांटने के लिए। पता नहीं कहाँ रख दिया फाइल। जब पगार बढ़ाने की बात करता हूँ तो पगार तो बढ़ाते नहीं। किसी के इंतजार का। हिया जी, आइए आइए आइए, हिया जी आइए प्लीज। हाय। आइए बैठिए प्लीज। एक सेकेंड। क्या कर रहे हो? ये इधर बैठिए। एक सेकेंड। आप इधर बैठ जाइए मेरी गोदी में। हो गया जी। तुसी की कर रहे हो? तुसी ना करो। और तुसी की कर रहे हो? गुस्सा नहीं। हाँ, तुम लोगों के लिए मेरे पास रिश्वत है। ये लो, चुपचाप आंखें बंद करो और यहाँ से नौ दो क्या हो जाओ। Enjoy yourself. क्या बच्चे आजकल के यार, दूजे किसी नु फड़ते हैं। Oh,
आई हेल्प यू सर? या या हैव यू सम ड्रिंक्स? डू 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 सर, यू वांट समथिंग? आपको हिंदी आती है? हिंदी में बोलना सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गुड गुड, टॉयलेट किधर है? यहाँ सर। ओ पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं।